न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नगर निगम के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे सिटी बस को लेकर मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। पशु तस्करी में शामिल गैंग लीडर जफरुद्दीन सहित 7 अभियुक्तों के ऊपर चिल्वताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया। पंजीकृत एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एक लाख से कम सालाना आय वाले गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिला, बच्चे, विकलांग, शहीद सैनिकों के आश्रितों, मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, किशोर अपराधी बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय में प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाती है निःशुल्क विधिक सहायता। मुकदमे में व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता की फीस, कोर्ट फीस, सभी तरह की फीस विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। मौसम में बदलाव एवं घने कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए है कृत संकल्पित। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस तथा दृश्यता जांच के साथ कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मूर्ति विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर को ग्राम डांगी पार में युवक की हत्या के आरोप में वांछित 2 अभियुक्तों अंशु निषाद एवं माखन उर्फ उपेंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रांगण से बुद्ध से कबीर तक यात्रा का किया गया शुभारंभ। ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर वी के मल ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आपसी भाईचारा बनाए रखने का दिया गया संदेश। अपहरण व चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त रविंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपहर्ता को सकुशल किया बरामद, भेजा जेल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपाइयों ने हवन पूजन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी उन्हें श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। गैंगस्टर एक्ट का वांछित एक अभियुक्त सनी चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर के उपनियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, मॉक ड्रिल कर छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग, हवाई हमले से बचाव व रेस्क्यू के संबंध में विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही सिटी बस को लेकर आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि जनपद में सिटी बस बहुत अच्छी तरह से लोगों को सेवा दे रहा है, लेकिन कुछ रूटों पर 2 महीनों में बसों की आय में कमी आई है। इससे पहले सभी बसों की आय ठीक हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस पर अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें, कहीं ना कहीं पैसों की चोरी की जा रही है, इसलिए सभी बसों के ड्राइवर व कंडक्टर को नोटिस दिया जाए कि कहीं पैसों की चोरी में पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय समय पर अधिकारी बसों की जांच करें कि कौन सा व्यक्ति बिना टिकट के किसके मिली भगत से यात्रा कर रहा है, इस तरह से चोरी को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिटी बस शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चूंकि वहाँ पे बसें लगाए हैं, या तो वही चलाई जाए या इसका सर नगर भ्रमण में चलाया जाए, एक ही तय हो जाए सर। नहीं, अभी देखिए जो मैं समझ रहा हूँ, एक तो आपके ड्राइवर कंडक्टर की
तैनाती का सिस्टम क्या है, क्योंकि उसी से ही चोरी हो रही है। सर वो पीएम बता रहा हूँ सर, एक पीएमआई है जिन्होंने बसें सप्लाई, जो कमेटी ये बसें सप्लाई की है, मतलब इस बसों के लिए जो शासन की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, इस पर 11,500 रुपया सर पर डे पर बस का पेमेंट है मुख्यालय से, मतलब डायरेक्टरेट से ये है। उसी में इनका जो है बिजली और मेंटेनेंस और ये जो है ड्राइवर का खर्चा, ये सब वो बियर करते हैं। मतलब कितना फिर से बताओ जरा? 11,500 पर डे, पर डे पर बस, मतलब ये खर्च होता है। इसके अलावा सर हमारा कंडक्टर का खर्चा, ईटीएम मशीनों का खर्चा वो अलग है, और ड्राइवर का भी, ड्राइवर का एसी में इंक्लूडेड है, एमसी में। अच्छा 11,500 45,000 लाख, मतलब सारी बसों की क्योंकि चार्जिंग स्टेशन एक है, 25 बसें एक साथ बस से निकलती है, 1-2 घंटे के अंदर, और जब 130 किलोमीटर चलने के बाद लगभग यही स्थिति है। स्टिल हम लोग हाईएस्ट इनकम दे रहे हैं सर स्टेट में, लॉस है नो डाउट, लेकिन हाईएस्ट इनकम स्टेट की है हमारी। इसको और बेहतर हो सकता है यदि चार्जिंग सिस्टम हमारे 3 चार्जर हो जाएंगे सर। हमको जैसे 10 बसें किसी रूट में चला रहे तो 5 एक तरफ से चलाएं, 5 एक तरफ से चलाएं, तब तो ये होगा। सिटी ट्रांसपोर्ट का महेश्वरा सितंबर में जो इनकम हुआ है अक्टूबर में घटते गया है, ठीक है, कैसे ठीक है ना, कोई तो कारण होगा। कारण सर सुपरविजन की कमी है, वहाँ हम लोग सुपरविजन नहीं कर पा रहे सर। नहीं, आप एक चीज कर लीजिए, मेरा सुझाव ये है, इक्का दुक्का को लिखित में अभी इसी मीटिंग के आधार पर आपके ऊपर मत दीजिए, हमारे ऊपर डाल करके आप पहले तो नोटिस जारी, ठीक है, उन सभी हमने सर अभी जैसे चेकिंग कराया था आपके द्वारा सर, आप हमारे ARS पर्सन रख दिए हैं, ठीक है, इसके लिए हमने फिलहाल दे रखा कि आप देखो उसमें, तो ये जरूर चेक कराए 8 कंडक्टर्स को हम लोगों ने WTM में रोका हुआ है, और उन लोग उनको पेनलाइज का सिस्टम सर वो किया है पिछली बोर्ड की बैठक में, उसमें ये भी है कि उनको पेनलाइज किया जाए। अब पेनलाइज का उसमें वो नहीं तय किया हम लोग, हालांकि अपने रोडवेज में 1,000 रुपीज पर WTM का हम लोग ने एक बना रखा था, कहीं रिटर्न नहीं था। ये कहाँ से लिया गया है इन जो कंडक्टर है मैन पावर, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, तो प्राइवेट ये हो गया, प्राइवेट ये लखनऊ से सर टेंडर हुआ था, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कितने को अभी तक आपने यहाँ से निकाल दिया? 8 निकालना भी रूट ऑफ किया, नहीं रूट ऑफ नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये तो कौन हुआ है, ठीक है, ऐसा होगा। देखिए जो जिम्मेदारी नहीं है तो, और मुझे ये तो चाहिए कि ठीक है 1%, 2%, 5% कम होगा ज़्यादा होगा वो तो ठीक है। चिल्वाताल थाने की पुलिस ने पशु तस्करी में शामिल पशु तस्करों के गैंग लीडर सहित 7 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पशु तस्करी में शामिल 7 अभियुक्तों के ऊपर जिलाधिकारी के निर्देश पर चिल्वाताल पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान जफरुद्दीन पुत्र आबिद अली निवासी सोहसा पट्टी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, दूसरा नूर मोहम्मद पुत्र एनुल खान निवासी भुलिया अग्रवा थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, तीसरा तौसीफ पुत्र गुलाम वारसी निवासी सिमरा हरदो थाना कुबेर स्थान जनपद कुशीनगर, चौथा इमाम हुसैन पुत्र जिलानी निवासी कोइंदी पट्टी थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर, पांचवा शेरू हुसैन उर्फ बुफराम पुत्र जिलानी निवासी कोइंदी पट्टी थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर,
छठवां अनूप यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी हरसेवकपुर नंबर 2 थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर। सातवां इमामुल हक पुत्र अलीमुद्दीन निवासी कनक पिपरा थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज दिनांक 22/11/2022 को थाना चिलवा ताल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के पशु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पशु तस्कर जफरुद्दीन व उसके गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस गैंग में जफरुद्दीन के अतिरिक्त 6 अन्य अपराधी शामिल हैं। इन सभी पर पशु तस्करी व अन्य अपराधों में 6 से 8 तक मुकदमे कायम हैं। ये विभिन्न स्थानों से पिकअप पर पशुओं को लाद के और बिहार पहुंचाते रहे हैं। इनकी संपत्तियों का भी साथ ही साथ पता लगाया जा रहा है और उनको भी जब्त करने की कार्रवाई साथ ही साथ की जाएगी और विधिक कार्रवाई करते हुए विवेचना संपादित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसे गरीब व्यक्ति जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है तथा अनुसूचित जाति जनजाति बेगार के शिकार व्यक्ति महिलाएं व बच्चे मानसिक रोगी विकलांग बाढ़ सूखा भूकंप दैवीय आपदाओं से सताए व्यक्तियों सहित सैनिकों के आश्रितों औद्योगिक श्रमिकों मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति तथा किशोर अपराधी बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय प्राधिकरण में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। मुकदमे में उपरोक्त व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता को फीस कोर्ट फीस तथा अन्य सभी आवश्यक खर्च विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाता है। हर जिले में परामर्श एवं सुलह समझौता केंद्र द्वारा पारिवारिक मामलों सहित सभी प्रकार के विवादों को समाप्त कराए जाने के लिए सतत प्रयास किया जाता है। मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा अल्प न्याय शुल्क अदा करने पर दिलाया जाता है। अभिरक्षा में लिए गए गरीब बंदी अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिमांड के समय निःशुल्क वकील की सुविधा दी जाती है। फौजदारी के छोटे अपराधों का सुलह समझौते द्वारा शीघ्र निस्तारण कराया जाता है। जिला कारागार में बंदी को विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिससे प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे लोग कानूनी अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो गरीब वंचित है जो न्यायालय सहायता नहीं तो किस तरह से सहायता करना चाहते हैं, इसमें जो गरीब व्यक्ति हैं जिनकी सालाना आमदनी जो है वो 3 लाख रुपए से कम है तथा अनुसूचित जाति जनजाति बेगार के शिकार व्यक्ति महिलाएं व बच्चे मानसिक रोगी विकलांग बाढ़ सूखा भूकंप आदि देवी आपदाओं से सताए व्यक्ति शहीद सैनिकों के आश्रित और औद्योगिक श्रमिक मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति किशोर अपराधी बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय व प्राधिकरणों में निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मुकदमे में उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता की फीस कोर्ट फीस तथा अन्य सभी आवश्यक खर्चे भी विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में परामर्श एवं सुलह समझौता केंद्र द्वारा पारिवारिक मामलों और इसके अतिरिक्त पारिवारिक न्यायाधीश और मध्यस्थ के दौर के सहयोग से गठित पीठों के द्वारा पारिवारिक विवादों को प्री लिटिगेशन स्तर पर ही समाप्त कराए जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को शीघ्र मुआवजा प्रतिकर नियत अल्प न्याय शुल्क अदा करने पर दिलाया जाता है और अभिरक्षा में लिए गए गरीब बंदियों को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रिमांड के समय निःशुल्क वकील सुविधा दी जाती है। फौजदारी के छोटे अपराधों
का समनीय मामलों में सुलह समझौते द्वारा शीघ्र निस्तारण कराया जाता है और जिला कारागार में बंदियों को विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और जनसाधारण को प्राप्त विधिक सुविधाओं की तथा लोक अदालत के जरिए समस्याओं के शीघ्र निपटारे की जानकारी के लिए अलग अलग जगहों पर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाता है, जिससे जनता को इन कार्यक्रमों की तथा कानूनी अधिकारों की सामान्य जानकारी हो सके। मौसम में बदलाव एवं घने कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए तरह तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस तथा दृष्टिता जांच का प्रावधान किया जा रहा है, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों के सुरक्षित एवं संरक्षित यात्रा के लिए रेलवे प्रशासन कोहरे में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जरूरत के स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पटाखा सिग्नल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है तथा कोहरे से प्रभावित क्षेत्र में चलने वाले सभी गाड़ियों के इंजनों पर फॉग सेफ डिवाइस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है तथा कोहरे में सिग्नल पता चले इसके लिए सिग्नल साइटिंग बोर्ड, फॉग सिग्नल पोस्ट, व्यस्त संपार एवं लिफ्टिंग बैरियर पर पीले एवं काले ल्यूमिस स्ट्रिप की व्यवस्था कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोहरे के मौसम में कार्य करने वाले सिग्नल मैन को प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का लाइन क्लियर देने से पहले दृष्टिता की जांच करने के निर्देश दिए भी गए हैं तथा लोको पायलटों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी गाड़ियों को नियंत्रित गति से चलाएं, अचानक आने वाले किसी भी अवरोध पर रुकने के लिए सावधान रहें तथा संपारों को नियंत्रित गति से लगातार सीटी बजाते हुए पार करें। रेलवे प्रशासन द्वारा प्रत्येक लोको पायलट के पास प्रत्येक स्टेशन से पहले स्टाफ सिग्नल का लोकेशन एवं किलोमीटर चार्ट कार्ड के रूप में कर्मचारी समय में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों को कोहरे के मौसम में नियमित अंतराल पर संरक्षा अभियान, फुट पेट्रोलिंग, औचक निरीक्षण, रात्रि निरीक्षण एवं काउंसलिंग करके यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पटरियों की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग के फेरे बढ़ाए गए हैं तथा अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को अविलंब दूर करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, वर्ष की तरह इस बार भी विंटर्स अभी शुरू हो चुके हैं तो उसके लिए रेलवे ढेर सारी तैयारियां करता है। जैसे कि जो ट्रेन्स चल रही हैं पूर्वोत्तर रेलवे में, उसमें फॉग सेफ डिवाइसेस दी जा रही हैं सभी ट्रेनों में, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो। इसी प्रकार से जो वार्निंग बोर्ड्स होते हैं, जो सिग्नल बोर्ड्स होते हैं, जो लोको पायलट को देखने रहते हैं, साथ ही साथ लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं जिसमें रोड यूजर्स के लिए भी रेलवे, जैसे स्पीड ब्रेकर का बोर्ड होता है या फिर जो बैरियर होते हैं वो दिखें नाइट में, उनकी विजिबिलिटी रहे, इसके लिए रेलवे ने उन सब पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट या रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगाने का कार्य भी किया है।
पेट्रोलिंग चार्ट बनाए जाते हैं विंटर्स में, जब टेम्परेचर एक स्तर से नीचे जाता है तो उसकी पेट्रोलिंग की जाती है, तो उसके अनुसार पेट्रोलमैन सेक्शन की पेट्रोलिंग करते हैं। तो विंटर्स में जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसके लिए जो भी ये प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वो पूर्वोत्तर रेलवे पे उस तरह के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और इसका अनुपालन भी किया जा रहा है, जिससे कि ट्रेनों की जो सुरक्षा है, संरक्षा है और समय पालन है वो बना रहे। अभी जब से हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस देना ट्रेनों में शुरू किया है तब से पंक्चुअलिटी बेहतर हुई है, क्योंकि कोहरे के मौसम में भी फॉग सेफ डिवाइस के साथ अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो उससे लोको पायलट को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि उसमें बताता है कि ये बेसिकली एक GPS बेस्ड सिस्टम है जो कि ये बताता है कि अब अगला सिग्नल कितनी दूरी पर है, जो सिग्नल आने वाला है, तो उससे लोको पायलट को पता चल जाता है कि हाँ इतनी दूरी पर है, अब हमको दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो स्पीड स्लो काटते हैं वो, तो इससे जो है पंक्चुअलिटी बेहतर हुई। सर, रेल संचालन कर्मचारियों किस तरह निर्देशित है? विंटर्स के लिए संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं और इनको जो हमारे लोको पायलट हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग के कर्मचारी हैं जैसे पेट्रोलमैन हैं, कीमैन हैं, इनकी काउंसलिंग की जाती है, इनको बताया जाता है कि विंटर्स में क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। अगर पेट्रोलिंग जो करता है उसको बताया जाता है कि अगर रेल फ्रैक्चर मिले तो फिर आपको किस तरीके से रेल की संरक्षा करनी है, कैसे रेल को सुरक्षित करना है और ट्रेन को सुरक्षित करना है। तो ये सभी प्रकार के जो काउंसलिंग के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। जो इंस्पेक्शन शेड्यूल है वो बनाया जाता है इस हिसाब से कि रात में जो फुट प्लेटिंग होती है, जो इंजन के साथ बैठ के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स जाते हैं, सो दैट उनको पता चल सके रात में कहाँ पेट्रोलिंग हो रही है। गेट मैनों के लिए उनका भी औचक निरीक्षण किया जाता है, पेट्रोलमैन का औचक निरीक्षण रात्रिकालीन किया जाता है, जो स्टेशंस हैं वहाँ भी निरीक्षण किया जाता है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें की जाती हैं जिससे कि रेलवे की संरक्षा पूरी तरह से सुदृढ़ हो सके। सर, इसमें ट्रेनों की क्या स्थिति है, क्या लेट चल रही है, किस समय? अभी ट्रेनों की पंक्चुअलिटी पूर्वोत्तर रेलवे में लगभग 85% है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है और लगातार हम लोग पंक्चुअलिटी को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ट्रेनें बहुत ज़्यादा, जैसे अभी फेस्टिव सीजन जस्ट गुजरा है, फिर भी हम लोग स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, कई ट्रेनें अभी भी एक्सटेंडेड हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो यात्रियों की मांग है उसके अनुसार हम लोग ट्रेनें चलाएं। साइड बाय साइड आप देख रहे होंगे कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, जो डबलिंग का कार्य है या थर्ड लाइन का कार्य है या गेज कन्वर्जन का कार्य है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है, सभी प्रकार के कार्य पूर्वोत्तर रेलवे में तेज़ी से चल रहे हैं, क्योंकि जो मांग है यात्रियों की उसके अनुसार अगर हम लोगों को ट्रेनें चलानी है तो उसके लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, तो उस दिशा में रेलवे तेज़ी से कार्य कर रही है। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अंशु निषाद पुत्र दशहरू निषाद निवासी लहश्री खैरा टोला थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा माखन उर्फ उपेंद्र निषाद पुत्र मोती निषाद निवासी लहश्री खैरा टोला थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि ग्राम जांगीपाड़ ढाला पर 26 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की चाकू से मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में स्थानीय मृतक के पिता के लिखित तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, कांस्टेबल अजय पटेल, लाल बहादुर यादव, महिला कांस्टेबल ज्योति सिंह शामिल रही। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नगर निगम के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे सिटी बस को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। पशु तस्करी में शामिल गैंग लीडर जफरुद्दीन सहित 7 अभियुक्तों के ऊपर चिल्वाताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया पंजीकृत। SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एक
लाख से कम सालाना आय वाले गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिला, बच्चे, विकलांग, शहीद सैनिकों के आश्रितों, मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, किशोर अपराधी, बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय में प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाती है निःशुल्क विधिक सहायता। मुकदमे में व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता की फीस, कोर्ट फीस, सभी तरह की फीस विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। मौसम में बदलाव एवं घने कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए है कृत संकल्पित। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस तथा दृश्यता जांच के साथ कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मूर्ति विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर को ग्राम डांगी पार में युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों अंशु निषाद एवं माखन उर्फ उपेंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रांगण से बुद्ध से कबीर तक यात्रा का किया गया शुभारंभ। ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर वी के मल ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आपसी भाईचारा बनाए रखने का दिया गया संदेश। अपहरण व चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त रविंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपहर्ता को सकुशल किया बरामद, भेजा जेल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपाइयों ने हवन पूजन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी उन्हें श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। गैंगस्टर एक्ट का वांछित एक अभियुक्त सनी चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, मॉक ड्रिल कर छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग, हवाई हमले से बचाव व रेस्क्यू के संबंध में विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर वी के मल ने बताया कि बुद्ध से कबीर तक यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है जो एमएसआई इंटर कॉलेज से शुरू हो रहा है। लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बुद्ध से कबीर तक की यात्रा का संदेश दिया जा रहा है जो कि लोगों को सामाजिक एकता, भाईचारे की भावना, सांझी विरासत की बात बताया जा रहा है। हम लोग लोगों में आपसी भाईचारा व हिंदुस्तान की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कई जाति धर्म का देश है जिसमें हर भाषा व हर धर्म के लोग निवास करते हैं। आज के समय में हम लोग सांप्रदायिकता से जूझ रहे हैं। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में नफरत को कम किया जा रहा है और आपसी भाईचारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी वी के मल ने कहा, दो तीन सदस्य यहां पर आए एच के आईपीएस हैं, गुजरात कैडर में आपने काम किया है और पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च पद है उसको डीजीपी का उसको उन्होंने सुशोभित किया है। निश्चित रूप से ये 30 वर्ष का जो पुलिस सेवा में आपका सफर रहा होगा, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि हिंसा, नफरत और उसी के बीच में कहीं पुष्पित और पल्लवित होती हुई अहिंसा की भावना, प्रेम की भावना, इन दोनों का साथ साथ चलना आपसे बेहतर कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता है।
और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसी से प्रेरित होकर आपने बुद्ध और कबीर को चुना और बुद्ध और कबीर तक की का जो ये ट्रस्ट आपने बनाया है, निश्चित रूप से आपका जो सपना है भारत को जोड़ने का, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का, जिसकी शुरुआत आपने अपने गृह प्रदेश से शुरू की है, मेरा ये विश्वास है कि ये पूरे देश में फैलेगी। फिर उसके बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि जो मेरी मदर इंस्टीट्यूशन है मैं उसकी सेवा करूँगी, मैं यहाँ आ गया और मैंने तो बुद्ध से कबीर तक का कार्यक्रम का शुरुआती दिन है जो MSI कॉलेज से शुरू हो रहा है और बड़ी तादाद में बच्चे और इस कॉलेज के लोग यहां पे उपस्थित हैं। सांस्कृतिक माध्यमों से बुद्ध से कबीर तक का संदेश दिया जा रहा है जो सामाजिक एकता, विविधता, भाईचारे की भावना, साझी विरासत की बात, ये सारी बातें हम करते रहेंगे और हिंदुस्तान की एकता के लिए हम काम करते रहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान एक विविधताओं का देश रहा है, हिंदुस्तान एक प्लूरल देश रहा है और इस विविधताओं को हम सेलिब्रेट करते हैं। एक हर किसी का सर्वधर्म संभाव का देश रहा है, हम विविधताओं की इज्जत करते हैं और विविधताओं को खूबसूरत बनाते हैं। और आज की तारीख में जब हम एक जूझ रहे हैं एक सांप्रदायिक और सामाजिक ध्रुवीकरण से, ऐसे में बुद्ध से कबीर तक का जो संदेश बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि हम नफरत को कम करें, आक्रामकता को समाज से कम करें और एक संवाद की प्रक्रिया समाज में हो। मतभेद स्वाभाविक है किसी भी समाज में, मतभेद को संवाद के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें और इस संवाद की प्रक्रिया में हमारे जो महापुरुष हुए हैं बुद्ध, कबीर, गांधी, विवेकानंद, ऐसे लोगों को साथ में लेकर के उनकी प्रेरणा से
हम एक सामाजिक एकता को हम फलीभूत करने की कोशिश करें। खोराबाड़ थाने की पुलिस ने अपहरण व चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रविंद्र निषाद पुत्र हीरा निषाद निवासी रामनगर करजहा थाना खोराबाड़ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से अपहृता को बरामद किया गया है। खोराबाड़ थाना प्रभारी ने बताया कि 14 नवंबर की रात्रि को वादनी मुकदमा की पुत्री को अभियुक्त रविंद्र द्वारा बहला फुसलाकर व घर में बक्से का ताला तोड़कर पैसा व जेवरात के साथ भगा ले जाना व परिवार वालों से पूछने पर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में खोराबाड़ थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक सुशील कुमार, कांस्टेबल दिनेश कुमार, सुरेंद्र यादव, महिला कांस्टेबल सुषमा उपाध्याय शामिल रही। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती के अवसर पर बेदिहाता स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अवधीश यादव के अध्यक्षता में हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके संबंध में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधीश यादव ने बताया कि नेताजी ने समाज के सभी गरीब वर्गों के लिए आजीवन संघर्ष करते हुए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक कार्यों को किया। रक्षा मंत्री कार्यकाल में देश के सैनिकों के लिए मरणोपरांत उनके शव को उनके गांव तथा साथ में 50 लाख रुपए का चेक व राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हम सभी को नेताजी के विचार, आचरण, आत्मसात के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। नेताजी का संघर्ष एवं समाजवादी संग्राम में उनका योगदान सदैव अमर है। नेताजी के संघर्ष से आने वाली पीढ़ियों को सीखने की जरूरत है और आने वाली पीढ़ियां सीखती रहेगी। इस अवसर पर गोपाल यादव, अखिलेश यादव, सुमन पासवान, राहुल गुप्ता, शशिकांत दुबे, कपिल मनु यादव, नरसिंह यादव, अशोक चौधरी, राहुल यादव, शिवशंकर गौड़ सहित समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधीश यादव ने कहा, और संकल्प करें किस स्थान पर हवन करने घूमने जा रहे हैं, संकल्प लेते हुए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में हे अग्नि देवता हमारी मदद करें और हमेशा प्रभु की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे, ऐसा करते हुए भाव करते हुए ये आपको समर्पित। ओम भो स्वाय नमः स्वाहा, ओम भो स्वाय नमः नमः स्वाहा, ओम भो स्वाय सुजाय नमः स्वाहा, प्रजापते नमः स्वाहा, इदम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम स्वाहा 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 थोड़ा सा पिछड़ा बुझ गया ही प्रणाम करिए सब लोग प्रसाद नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा।
नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देखिए आज नेताजी का जन्मदिन है और ये पहला जन्मदिन है जब हम लोग नेताजी के बगैर मना रहे हैं। नेताजी के ही विचार पर ये समाजवादी पार्टी चल रही है। आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि नेताजी ने जो गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए जो सपना देखा था, उनके विकास का सपना देखा था, उनके विचारधारा को लेकर के आज उनके जन्मदिन पर हम सब ने संकल्प लिया हवन पूजन करते हुए कि कभी भी नेताजी तो मर नहीं सकते, उनका विचार कभी नहीं मर सकता, उनके विचार को लेकर के हम लोग गांव-गांव जाएंगे। नेताजी के बारे में, नेताजी हमारे लिए सब कुछ हैं, हम लोगों के लिए तो भगवान स्वरूप हैं। आज उन्हीं के दी हुई जुबान से आपके सामने हम लोग बोल रहे हैं और नेताजी के बारे में क्या बताया जाए वो बहुत कम होगा, लेकिन नेताजी ने जो गरीबों, आज तो सभी पार्टियां, वो पार्टियां जो कल तक नेताजी के बारे में बहुत भला बुरा कहा करती थी, जो नेताजी को किन किन शब्दों से जिन लोगों ने नवाजा था, आज उनके तारीफ के पुल बांधने में वो पीछे नहीं हट रही हैं। इसका मतलब आज जो समाजवादी लोग कहते थे कि नेताजी ही असली समाजवाद के ध्वजवाहक हैं और उन्होंने समाज के अंतिम पायदान के वक्त के लिए उन्होंने विचार को ले गए हैं, आज तो सब लोग मान रहे हैं। यह मान लिया गया है कि हम समाजवादी लोग जब अपनी बात करते हैं वो बातें सब सही होती हैं, लेकिन खाली दिशा भरवाने के लिए लोग उस समय तक आरोप लगाते हैं। तो नेताजी ने अपना लोहा मनवाया, अपने विचार का लोहा मनवाया है और आज देश और दुनिया की सभी समाजवादी विचार या दूसरे भी विचारधारा के लोग जो हैं वो नेताजी का लोहा मानने का काम कर रहे हैं। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शनि चौहान पुत्र रामभजन चौहान निवासी मिर्जापुर पचपेड़वा निकट रेलवे क्रॉसिंग थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, नौका एन चौकी प्रभारी विजय कुमार, कांस्टेबल दीपक कुमार, कृष्ण कुमार सिंह, महिला कांस्टेबल मीना पाल, प्रिया सिंह शामिल रहे। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वावधान में मंगलवार को मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रांगण में आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग से बचाव, हवाई हमले से बचाव व रेस्क्यू के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा हवाई हमले, आग से बचाव व रेस्क्यू का मॉक ड्रिल भी किया गया, जिसके संबंध में नागरिक सुरक्षा के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप शहर के विभिन्न विद्यालयों में आपदा प्रबंधन, अग्निशमन व उपायों से संबंधित प्रशिक्षण नागरिक सुरक्षा द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शन करके संभावित खतरों से बचाव व तैयारियों को भी देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में नागरिक सुरक्षा, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग एवं विभिन्न बचाव टीमों के मध्य समन्वय बनाकर मॉक ड्रिल की जाती है। मॉक ड्रिल में पीड़ित व आहतों को निकालने के तरीके बताए गए। हमले से हुए धमाकों व धुएं की स्थिति में बेहोश आहतों को निकाल कर दिखाया गया। इस अवसर पर सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, डिविजनल वार्डन कोतवाली विकास जालान, विद्यालय के अध्यक्ष श्याम सुंदर सर्राफ, प्रबंधन ज्योति गोयल, प्रधानाचार्य माधव शरण चौरसिया, अर्चना पांडे, दिलीप सिंह, ICO डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, अनिल कुमार गोयल, कुमार आदर्श आनंद, पोस्ट वार्डन अनुपम गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, एजाज अहमद, सेक्टर वार्डन हुमैरा खातून, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, फैजान हुसैन खान, राजन चौरसिया, पंकज गौर सहित छात्र एवं अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग के डिविजनल वार्डन विकास जालान एवं नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, ये बोलते हैं
है गला घोट के मारने वाली विधि, नाक का गला चलो बच्चे का फोटो जरूर ले लीजिएगा, बोला है और पीछे ये और पीछे बैठा और पीछे थोड़ा सा और पीछे और पीछे ही आप लोग और पीछे बैठा और पीछे जो विकास जलान डिविजनल वार्डन कोतवाली। नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रखंड द्वारा आग से बचाव व हवाई हमले के दौरान होने वाले बचावों के संबंधित यह ट्रेनिंग आज मारवाड़ इंटर कॉलेज में हमारे सहायक उपनियंत्रक श्री वेद प्रकाश यादव जी ने दी, और यह पूरा जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है हमारे उपनियंत्रक श्री सत्य प्रकाश सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। और हमारा स्थापना दिवस कार्यक्रम 6 दिसंबर को होने वाला है, उसी श्रृंखला में आज हम लोग मारवाड़ इंटर कॉलेज में बमबार्डिंग से बचाव एवं आग से सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा उपचार इस संबंधित ट्रेनिंग यहाँ के छात्रों को दी गई। हम यह इस ट्रेनिंग के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं समाज को भी, बच्चों को भी,
कि जो प्रशिक्षण आज हमारे अधिकारियों द्वारा यहाँ पर दिया गया है, उस प्रशिक्षण को वो जो सीखे हैं, अगर कभी हमारे सामने कोई इस तरह की आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस आपदा में बचाव के लिए जो आज इन छात्रों ने ट्रेनिंग में सीखा उसको उपयोग में लाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करने का भी प्रयत्न करें। सत्य प्रकाश सिंह हूं और मैं डिप्टी कंट्रोलर नागरिक सुरक्षा। अभी विकास जी ने बताया जो कि कोतवाली डिवीज़न के डिविजनल वार्डन है और हमारे गजेटेड अफसर श्री वेद प्रकाश जी ने बहुत ही बखूबी यहां पर बच्चों को बताया कि किसी भी आपदा में किस प्रकार से अपना बचाव करें। इसी क्रम में हम लोगों ने इमरजेंसी में कैसी हमारी टीमें काम करती हैं, किस प्रकार से फायर टीम काम करती है, कैसे सिविल डिफेंस के लोग काम करते हैं, तो एक संयुक्त तत्वावधान में कह सकते हैं कि एक बहुत ही संक्षिप्त समय में इमरजेंसी में कैसे हमारी टीमें काम करती हैं। यही बात हमको अपने बच्चों को बताना था कि किसी भी अगर इमरजेंसी में अगर आप अपने को फंसे तो किस तरीके से इमरजेंसी रेस्क्यू कर लें, कैसे अपने आप से आग से बचा लें और कैसे इमरजेंसी में आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट एड दे पाएँ। तो किसी भी आपदा में, किसी भी दुर्घटना में मुख्यतः तीन चीज़ें ही होती हैं और इन तीनों चीज़ों से बच्चों को अवेयर किया गया। विद्यालय प्रबंधन है, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय खड़े हैं, आपका एक अनुरोध पत्र था कि हमारे बच्चों को ही बताया जाए कि किसी भी इमरजेंसी में हम लोग कैसे काम करते हैं। तो यही एक मकसद था कि हम लोग एक कोतवाली डिवीज़न के तत्वावधान में इस प्रोग्राम को रखा था और एक संक्षिप्त कह सकते हैं कि समय में एक बेहतर मॉक ड्रिल का आयोजन वेद प्रकाश जी की टीम ने दिया है। थैंक यू वेरी मच सत्य प्रकाश सिंह उपनियंत्रक। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नगर निगम के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे सिटी बस को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। पशु तस्करी में शामिल गैंग लीडर जफरुद्दीन सहित सात अभियुक्तों के ऊपर चिल्वताल थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा किया। पंजीकृत एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। एक लाख से कम सालाना आय वाले गरीब व्यक्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति, बेगार के शिकार व्यक्ति, महिला बच्चे, विकलांग, शहीद सैनिकों के आश्रितों, मानसिक चिकित्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, किशोर अपराधी बंदियों को सक्षम न्यायालय उच्च न्यायालय में प्राधिकरण के द्वारा प्रदान की जाती है निःशुल्क विधिक सहायता। मुकदमे में व्यक्तियों के लिए अधिवक्ता की फीस, कोर्ट फीस, सभी तरह की फीस विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। मौसम में बदलाव एवं घने कोहरे को देखते हुए रेल प्रशासन अपने यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए है कृत संकल्पित। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस तथा दृश्यता जांच के साथ कोहरे के पूर्व एवं कोहरे के दौरान सुरक्षित एवं सहज परिचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है विशेष अभियान। मूर्ति विसर्जन के दौरान 26 अक्टूबर को ग्राम डांगीपार में युवक की हत्या के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों अंशु निषाद एवं माखन उर्फ उपेंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में एमएसआई इंटर कॉलेज के प्रांगण से बुद्ध से कबीर तक यात्रा का किया गया शुभारंभ। ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व डीजीपी डॉक्टर वी के मल ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आपसी भाईचारा बनाए रखने का दिया गया संदेश। अपहरण व चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त रविंद्र निषाद को कोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, अपहर्ता को सकुशल किया बरामद, भेजा जेल। समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री एवं रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपाइयों ने हवन पूजन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके दी उन्हें श्रद्धांजलि, लिया उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प। गैंगस्टर एक्ट का वांछित एक अभियुक्त सनी चौहान को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और
नागरिक सुरक्षा कोतवाली प्रभाग के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन के मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, मॉक ड्रिल कर छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा, आग, हवाई हमले से बचाव व रेस्क्यू के संबंध में विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।